स्टार्ट। अच्छा, तो वी लर्न दैट द टोटल एंगल इन साइड अ सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन द टोटल एंगल विल बी 360 डिग्री, बिकॉज ऊपर भी 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, सो 180 + 180 इज 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसको एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास फोर एंगल्स बनते हैं। एक हमारे पास ये एंगल बनता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये एंगल बनता है, ठीक है, तीसरा हमारे पास ये एंगल बनता है, और चौथा हमारे पास ये एंगल बनता है। ठीक yes, है, sir. अच्छा, अब यहाँ पर लेट सपोज हमारे तो और टोटल एंगल हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे देख लें तो ये क्या बनाता है, सर्कल बनाता है, तो टोटल जी एंगल इनसाइड अ सर्कल बिकम्स 360 डिग्री। यस सर अच्छा, अब चूंकि दिस ऑल दिस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, लेट सपोज यस दिस सर इज 40 एंड दिस इज 140 एंड दिस इज 60, सॉरी, Now we need to find the value of this angle F, clear? So we can start from here that because the total angle here is 360 degree, okay, which is equal to 140 plus 40 plus 60 plus F, clear? So yes. we'll shift all the values to the left hand side, so 360 minus 140 minus 40 minus 60 equals to F, so F becomes 360 minus 140 180 180 180 minus 60 is 120, so F is 120 degree. ठीक है, yes, sir, 120. तो आप इसको इस तरह फाइंड आउट करोगे। इवन अगर यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एडवांस लेवल का इस तरह के, लेट्स सपोज इसको वो, ठीक है, ए से आ गया और यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज ये एंगल है 20, ये हो गया 80, ये हो गया 40 और ये हो गया 30 और ये हो गया 50 और यहाँ पर ये है जी, एंगल जी। ठीक है, इसको फाइंड करना है तो सेम आपने देखना है कि टोटल एंगल हमारे पास किस कितना होगा, हाउ मच इज द टोटल एंगल, नॉट 80, इट इज 360 बिकॉज इट इज मेकिंग अ सर्कल, यू सी इट इज मेकिंग अ सर्कल। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट हियर दैट 360 इक्वल्स टू 80 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस जी। ठीक है, यस सर, वही प्रोसेस है, 360 माइनस ऑल दीस टर्म्स, सॉरी, माइनस 80 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 30 माइनus 40 इक्वल्स टू जी, और इससे जो आपका आंसर आएगा 360 माइनस 80 इज 280, 280 माइनस 20 इज 260, 260 माइनस 50 इज 210, 210 माइनस 30 इज हाउ मच, 180, 180 माइनस 40 इज 140, 140, 140 इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक, तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी समझ आ गई? यस, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे दोबारा, अच्छा, अब ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो पार्ट ए को, तो पार्ट ए हमारे पास होगा, सॉरी, 360 इक्वल्स टू 67 प्लस 52 प्लस 135 प्लस ए, ऐसा होगा ना?
ठीक है, एंड अगेन 360 माइनस 67 माइनस 52 माइनस 135 इक्वल्स टू ए. अब इससे इसको माइनस कर लो तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक की वैल्यू क्या है वो आप खुद फाइंड आउट कर लो और नोटबुक्स में आप लिख लो. ठीक है, okay, ये आपका असाइनमेंट हो गया. okay, एक आपका असाइनमेंट ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, ये चार क्वेश्चन आपके क्या हो गए, असाइनमेंट्स. ऑल्दो मैंने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये वाला ये मैंने सॉल्व कर भी दी. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफी.